उपायुक्त ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 30 अगस्त से 15 सितंबर तक जिले के सभी 256 पंचायत, नगर निगम के सभी 55 एवं चिरकुंडा नगर परिषद के सभी 21 वार्ड में आयोजित किया जाएगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा ने शुक्रवार को समाहरणालय से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जी हाँ, जिले के हर व्यक्ति को उनके जरूरत की योजनाओं से जोड़कर उन्हें सशक्त और स्वावलंबी बनाना। रथ को रवाना करने के बाद उपायुक्त ने कहा कि 30 अगस्त से 15 सितंबर तक जिले के सभी पंचायत, धनबाद नगर निगम एवं चिरकुंडा नगर परिषद के सभी वार्ड में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने और लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ रवाना किया है। ये सभी रथ जिले के सभी पंचायत, धनबाद नगर निगम तथा चिरकुंडा नगर परिषद के वार्डों का भ्रमण कर लोगों को कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान फोकस एरिया में शामिल योजनाएं, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड योजनाएं, लाभुकों के बीच ऑन द स्पॉट परिसंपत्तियों का वितरण, स्कूली बच्चों को लैमिनेटेड जाति प्रमाण पत्र, छात्र छात्राओं के बीच साइकिल खरीदने के लिए चेक वितरण, SHG सदस्यों के बीच आइडेंटिटी कार्ड का वितरण, योग्य लाभुकों के बीच धोती, साड़ी, लुंगी एवं कंबल का वितरण किया जाएगा। साथ ही अभिलेख, आय, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार या राशन कार्ड में सुधार तथा बिजली बिल से संबंधित शिकायतों का ऑन द स्पॉट निवारण किया जाएगा। मौके पर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह, NDC दीपक कुमार दुबे भी मौजूद थे। आज से धनबाद जिला के विभिन्न पंचायतों और नगर निगम क्षेत्र में कैंप लगने शुरू हो गए हैं और हम लोगों ने पर ब्लॉक के लिए एक एक हम लोग का प्लान है प्रचार व्हीकल वो भेजने के लिए, जिसमें हम लोग बारी बारी से सभी प्रखंडों में भेज रहे हैं। जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से हम लोग ये इंश्योर करें कि प्रचार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वहाँ पर जितने भी लाभों का है त्वरित मामलों का एकदम सभी हमारे जितने कैंप्स लगे हैं आज सभी जगह अच्छी भीड़ है। सारे फॉर्म्स की ऑनलाइन एंट्री करी जा रही है और जो केसेस हैं जिनका वहाँ पर इमीडिएटली हम लोग निपटारा कर